अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर अकबाल के बी आर न्यूज में आपका खैर मुकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खबर के पेश करता है शैला जहाँ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड प्रेगनेंसी केयर सेंटर। हमारा पता नद किनारा बैंक, हैदराबाद रोड, निजामाबाद। आइए बढ़ते हैं खबरों की जानी। निर्मल डिस्ट्रिक्ट के बातल मंडल में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर के स्टाफ नर्स चरनिया का बेहतरीन कारनामा। पब्लिक हेल्थ सेंटर में अपने अमले के हमरा एक खातून की नॉर्मल डिलीवरी करवाकर गरीब खातून की और उसके अफराद खानदान की दुआएं ली। दौरे हाजिर में अमीर हो या गरीब, हामिला खवातीन की डिलीवरी के लिए अक्सर खानगी दवाखानों को तरजीह देते हैं और बदले में खानगी दवाखाने में भारी रकम उन खानदानों से लूट ली जाती है और ज्यादातर डिलीवरी केसों में सर्जरी आम बात होती जा रही है। मगर निर्मल डिस्ट्रिक्ट के बासर मंडल में एक वाकया ऐसा भी मंजर आम पर आया जिसने अमीर व गरीब खानदानों को सरकारी दवाखाने से रुजू होने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिद खान जो के पेशे से लेबर है, उसकी बीवी नेहा बेगम जो के हामिला थी, उसे करीबी पब्लिक हेल्थ सेंटर में मुआयने की गर्ज से ले जाया गया। मगर तबीयत नासाज होने की वजह से पीएचसी में मौजूद स्टाफ नर्स चरनिया ने ये फैसला किया कि वो इस खातून की पीएचसी में डिलीवरी करवाएगी और इसने डॉक्टर आकाश से इजाजत लेकर अपने हमरा स्टाफ नर्स को लेकर चरनिया ने हामिला खातून की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। नेहा बेगम ने एक लड़की को जन्म दिया जिससे नेहा बेगम के शौहर व अफराद खानदान ने चरनिया को खूब दुआओं से नवाजा। इस मौके पर स्टाफ नर्स चरनिया ने बताया कि अक्सर आवाम कोई भी मर्द हो सरकारी दवाखाने को छोड़कर खानगी दवाखानों का रुख करती है, जबकि सरकारी दवाखाने में हर किस्म का इलाज और भरोसेमंद डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर आकाश, स्टाफ नर्स चरनिया के अलावा ANM मेंबर सुमा, राजा लक्ष्मी, रूपा, स्टाफ मेंबर में रिजवाना बेगम अंसार मौजूद थे। आइए देखते हैं बासर से हमारे नुमाइंदे सैयद लतीफ की ये रिपोर्ट। అందరు కూడా ఏంటంటే కొంచెం నొప్పులు రాగానే వెంటనే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి, అట్లా అంటే ఏమో అవుతుంది అనే టెన్షన్ తోటి గవర్నమెంట్ని యూజ్ చేసుకోకుండా ప్రైవేట్కి వెళ్ళి ఆపరేషన్స్ చేసుకోకుండా మంచిగా ఇట్లా ఇట్లా మీకోసం ఉన్న గవర్నమెంట్ని యూజ్ చేసుకొని మంచిగా నార్మల్ కావడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపెట్టాడు. మేము కూడా ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకొని చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. సో కొంచెం ఏంటంటే మేము చెప్పినప్పుడు కోఆపరేషన్ అంటే అవుతుంది, అవుతుందా ఇప్పుడు, అవుతుందా ఇప్పుడు, అవుతుందా అనే టెన్షన్ పెట్టకుండా కొంచెం ఓపికతోటి వెయిట్ చేస్తే ఆ నొప్పులు వస్తున్నప్పుడు ఇంకా మేము కూడా మా ప్రయత్నం మేము చేసి మంచిగా నార్మల్ డెలివరీ అయ్యేలాగా ప్రయత్నిస్తాం. ఓకే.